तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है नॉर्मली डॉट स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ठीके? और नॉर्मल बॉन्ड लेंथ जो रहता है दो ऑक्सीजन के बीच वन फोर्टी का रहता है और अगर डबल बॉन्ड है तो वो लेंथ वन ट्वेंटी पीएम का रहता है तो ये नॉर्मल बॉन्ड लेंथ पर रहता है ठीक है ना तो O3 का जो मॉलिक्यूल है इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है जब हमने O3 मॉलिक्यूल का एक्चुअल बॉन्ड लेंथ निकाला ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट द बॉन्ड लेंथ इज़ वन ट्वेंटी इन बोथ द बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड सो वन ट्वेंटी एट पी एम इज द बॉन्ड लेंथ लेकिन नॉर्मल स्ट्रक्चर जो निकालते हैं हम लोग लेविस का तो इसमें ये 148 पीएम दिखा रहा है और 121 पीएम है इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में ये साइड जो है डबल बॉन्ड वाला 121 पीएम दिखा रहा है और ये वाला 148 पीएम दिखा रहा है बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ3 मॉलिक्यूल है एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से ये ए बॉन्ड लेंथ आता है उसका वन ट्वेंटी ना दोनों बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर है मतलब लेवी स्ट्रक्चर जो हमने निकाला है यहाँ पे और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो थ्री मॉलिक्यूल का वो है, तो इसी के कारण हम लोग जो लेवी स्ट्रक्चर है इस दोनों को बोलते है रेसोन स्ट्रक्चर ठीक है दिस बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर और वो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसीलिए हम लोग ये डबल एरो दिखाते हैं इस तरह से ठीक है तो इस एरो का मतलब है कि ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है मतलब एक जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन है लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उस मॉलिकल का नहीं है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उस molecule का कौन सा है ए है ठीक है जिसमें द बॉन्ड लेंथ इज इक्वल और इसी स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो ए दोनों जो है दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड सो दिस टू स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और ये जो थर्ड है उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअल है उस मॉलिक्री का का तो इसी तरह से और भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम लोग रेजोनेंस uh, स्ट्रक्चर पाते हैं एक्चुअल uh, उस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से दिया जाता है तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए सीवो थ्री मॉलिक्यूल है और उसका

इन तीनों में से एक भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है सी का एक्चुअल स्ट्रक्चर भी अरिजरेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख सकते तो हैं तो मिलते हैं नए वीडियो में